नरक का वास भी बेटर श्रेष्ठ है। सत्संग न मिले कुसंग मिले तो स्वर्ग के सम्राट सुरेंद्र इंद्र का पद भी हमको नहीं चाहिए। ये शब्दार्थ है। अब समझो सत्संग क्या होता है। बहुत सुनते हैं आप लोग इस शब्द को और हर जाति हर बिरादरी हर प्रांत में इस शब्द का प्रयोग होता है। सत्संग में गए थे सब बोलते हैं। सत्संग क्या चीज है इसको गहराई से समझना होगा। इसमें दो शब्द हैं, एक सत एक संग। सत क्या है और संग क्या है। अगर ये दो शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो सत्संग शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए। समस्त विश्व में दो तत्व हैं, एक सत एक असत। सदैव सौम्येदमग्र आसीत वेद कहता है। सबसे पहले जब संसार भी नहीं था तो केवल सत था, सत। फिर सत से दो चीजें पैदा हुई, एक सत एक असत। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्य त्यक्त्वा। यानी सत्व और असत ये दो प्रकट हुए। तो असत का मूल माया और सत का मूल भगवान। बहुत सरल भाषा में हम समझा रहे हैं वेदों का गंभीर रहस्य। एक भगवान है एक माया है और एक जीव है। अब संग करने वाला तो जीव है और सत भगवान है असत माया है। बड़ी सीधी सी बात है। संग करने वाला जीव और जिसका संग करना है वो दो प्रकार का सामान है, एक सत एक असत। अब सत में क्या क्या है। राधा कृष्ण उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत इतने का नाम है सत। और माया का जगत उसका नाम उसका रूप उसका कार्य उसके स्थान उसके उपासक ये सब है असत। बस सीधी सीधी बात। एक सुख है एक दुख है, एक ज्ञान है एक अज्ञान है, एक प्रकाश है एक अंधकार है, एक अनंत है एक शांत है,
एक सत्य है एक मिथ्या है, बस दो विरोधी चीज चली आ रही है अनादिकाल से और सदा चलेगी। तमाम नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, बस दो ही तो है, आपको क्या चाहिए, बस चुन लो। अगर बहुत सारे लोग हो और इसमें तुमको पता लगाना हो कि मंदाकिनी कौन है, तो तमाम लोगों से पूछना पड़ेगा, आपका नाम मंदाकिनी है? जी नहीं। आपका? जी नहीं। आपका? जी नहीं। बड़ा परिश्रम है। और जब दो ही लड़कियां हो खाली बैठी और उसमें से एक को पूछा हमने कि आपका नाम मंदाकिनी है, तो उसने कहा नहीं नहीं हमारा नाम तो रमा है। अच्छा अच्छा, तो दूसरी वाली मंदाकिनी होगी, बस सीधी सीधी बात है, उससे पूछने की जरूरत नहीं। एक आनंद है एक उसका नेगेटिव है दुख, एक ज्ञान है एक उसका उल्टा है अज्ञान, एक प्रकाश है एक उसका उल्टा है अंधकार। तो ऐसे ही एक भगवान है एक है माया, इसलिए एक है सत और एक है असत। अब तुम वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ पढ़ डालो और इन वाक्यों के अलावा और कुछ लिखा हो तो हमको बताओ। ये बीच में भी सत और असत शब्द का प्रयोग होता है, बीच में माने मय जगत में, मायिक जगत में सत्व गुण को सत कहते हैं और तमोगुण को असत कहते हैं और रजोगुण को सत असत निश्चर कहते हैं। सत को पुण्य कर्म कहते हैं, अच्छा कर्म कहते हैं, सत कर्म कहते हैं। तमोगुणी कर्म को खराब कर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं और रजोगुणी को दोनों का मिलावट वाला कर्म कहते हैं। इसलिए गीता कहती है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था और मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसी को वेद कहता है पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पापं उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। जो पुण्य करेगा यानी सब कर्म उसको स्वर्ग मिलेगा, जो पाप करेगा यानी असत कर्म उसको नरक मिलेगा और जो पाप पुण्य दोनों करेगा उसको मृत्युलोक मिलेगा। अब वेद पढ़ने वाला शास्त्र पढ़ने वाला यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, क्यों जी सत्कर्म तो सात्विक कर्म को भी कहते हैं और आप कहते हैं कि सत्कर्म तो मूर्खों का है, ये भी कहता है वेद। वो घोर मूर्ख है जो सत्कर्म करता है, ये वेद कह रहा। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा
अंधे नैव दीयमाना यथा अंधाः यः कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागास्तेनातुरा क्षीण लोकाश्चिवन्ते। स्वर्गलोक जा करके और फिर हीनतरम बाबिसन घोर मूर्ख है, मामूली मूर्ख नहीं, मूढ़तम। इतना परिश्रम करे और मिले स्वर्ग, चार दिन को स्वर्ग मिला, उसके बाद कुत्ते बिल्ली गधे बने। ये सब कर्म का फल है और उसका नाम शास्त्रों में सब जगह सब कर्म बताया गया। सब यानी माया के एरिया में वो सत है, असली सत नहीं, क्योंकि उसकी जननी तो असत है माया। इसलिए असली सत शब्द का अर्थ है भगवान संबंधी। अब भगवान संबंधी दो वस्तुएं प्रमुख है, एक संत एक भगवान। अब इन दोनों में जो प्रत्यक्ष हमको प्राप्त होता है वो संत है। भगवान तो किताबों में लिखे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है तो भी निराकार है, अनुभव में नहीं आते। भीतर बैठे हैं तो भी वो अनुभव में नहीं आते। अब वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, बाइबल में लिखा है, इसलिए मान लो, ये बात अलग है। अरे किसी की श्रद्धा है मान ले, और कोई कह रहा है तब बकवास है। दिखाओ कहां है तुम्हारा खुदा, तुम्हारा राम, तुम्हारा श्याम, तुम्हारा गॉड, तब माने। हम संसार में सब चीजें आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, सब अनुभव करते हैं, तो मानते हैं। और तुम खाली कहते हो कि लिखा है मान लो, साधना करके जब वहां पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा, अनुभव वाली बात आएगी सामने। तो अल्पज्ञ ऐसे कुतर्क करके और नहीं मानता। सत का स्वरूप नहीं समझता, लेकिन संत सामने होता है, उसको हम देखते हैं, उसके हम शब्द सुनते हैं, उसका हम स्पर्श करते हैं, वो हमारी इंद्रियों से प्राप्त है, प्रत्यक्ष है, इसलिए उसका संग होता है, हो सकता है, हुआ है, और उसी के संग को सत्संग कहते हैं। भगवान का संग तो जब होगा तब होगा, जब अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण दिव्य होगा, सब महल खड़ा हो जाएगा और उसमें प्रवेश का उद्घाटन होगा, तब भगवान प्रकट होंगे उसके अंदर आके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो सामने नहीं आते, बात करने की कौन कहे, क्यों है तुम्हारा हृदय गंदा। अरे महाराज गंदा है तो आओ कुछ करो उसके बारे में, मैं ये सब कुछ काम नहीं करता भंगी वाला, जाओ संतों के पास। अब आप संत के पास गए कि महाराज बड़े पापात्मा है, कोई बात नहीं आओ, हमारा काम ही भंगी का है, सफाई करना।